जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिनों में आने की 21 जून से लेकर 23 जून के समय में आने की जून माह की है अंतिम 10 दिनों के समय में आप सभी लोग काले कुत्ते को यह एक चीज खिला दो, यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी को एकदम से बदल कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, और आपकी ज़िंदगी में जितनी ही परेशानियां और दुख तकलीफ हैं उन सभी से मुक्ति भी मिलेगी, और जन्मों जन्मांतर से जो आपकी किस्मत फूटी चली आ रही थी, जो भाग्य आपका खराब चल रहा था, तो वह अब सब भगवान सरदेव की कृपा से बदल जाएगी और आपकी जन्मों जन्मांतर की गरिबियाँ भी दूर होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों काला कुत्ता भगवान सरदेव का प्रतीक माना जाता है, तो दोस्तों यह समय भगवान सरदेव की कृपा दृष्टि से आपकी ज़िंदगी की हर एक परेशानियां दूर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और खास साबित होने वाला है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि आने वाले 10 दिनों में आपको काले कुत्ते को कौन सी चीज़ खिलानी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगी, और साथ ही हम बात करेंगे यह 10 दिनों का समय आप सभी के लिए कैसा रहने वाला, आप सभी को कौन से बड़ी खुशखबरियाँ यह समय हाथ लगने वाली है, और आपके राशि जुड़ी प्रत्येक जानकारी भी यह समय हम बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, उससे पहले बड़ी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले जो भक्त भगवान सरदेव के सच्चे और प्यारे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक देने से जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सरदेव महाराज जरूर लिखें, आपके जो उनके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि आखिर आने वाले 10 दिनों में आपको कौन सी चीज़ काले कुत्ते को खिलानी चाहिए। दोस्तों आने वाले 10 दिनों में आप काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से राहु और केतु के दोषों का निवारण होता है, और आपकी ज़िंदगी में जितनी ही परेशानियां हैं उन सभी से मुक्ति भी मिलेगी और आपकी ज़िंदगी को एकदम से बदल कर रख देगी, और साथ ही काले रंग के कुत्ते पर शनि और केतु दोनों ही ग्रहों का प्रभाव होता है, इसलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को पालने की सलाह भी दी जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी जान लेते हैं और साथ ही इसमें आत्माओं को देखने का भी क्षमता रखता है, यही कारण कि कुत्ते को देखकर आत्माएं दूर भी भागने लगती है। यदि आपके ज़िंदगी में यश में किसी भी प्रकार की आप पर बुरी शक्तियां हावी है तो उनसे आपको मुक्ति भी मिलेगी, और दोस्तों भगवान सरदेव का भी आशीर्वाद आपके प्रयास में बनी रहेगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि आने वाले 10 दिनों में आप सभी के जून काल में कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं, और यह 10 दिनों का समय आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको कौन से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों यह 10 दिनों का समय आप सभी के जून काल के लिए भगवान सरदेव के आशीर्वाद से काफ़ी लक्की साबित होगा। दोस्तों यह समय आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिसके कारण आपके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देगा, और यह समय की शुरुआत में ही मनचाहा प्रमोशन या ट्रांसफर की मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती है, जिससे आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपको अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के नए मौके भी मिलेंगे, और इस काम में आपके मित्र काफ़ी मददगार साबित भी होंगे, और यश के मध्य में परिवार के किसी भी सदस्य की उपलब्धि आपकी खुशियों का बड़ा ही कारण बनेगी। घर परिवार से जुड़े किसी भी बड़े फैसले को लेते समय परिजन का पूरा सहयोग और समर्थन भी हासिल होगा, विशेष रूप से पिता आपके साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे, और यश के उत्तरार्ध में आपका अधिकांश समय धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में बीतेगा। इस दौरान आपको कोई बड़ा सम्मान भी यह समय मिल सकता है, और प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय काफ़ी शुभ है। यदि आप लव पार्टनर के साथ अनबन चल रही है तो यह समय सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आपका प्रेम एक बार फिर से पटरी पर आ जाएगी। कुल मिलाकर लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर भी प्राप्त होंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय भी बना रहेगा, और यह समय आप खेल कूद में हिस्सा भी ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा, और माली सुधार की वजह से जरूरी खरीदारी करना आसान रहेगा। आप जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग भी मिलेगा, और यह समय आप इसकी चाशनी जिंदगी में घुलती हुई महसूस करेंगे। उस सड़क पर बेकाबू गाड़ी बिल्कुल ही ना चलाएं, और बेवजह खतरा मोल लेने से भी आप यह समय बचें।
और सत्ता सरकार से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी इसमें मिल सकती है। यदि आप रोजी रोजगार के लिए लंबे समय से भटक रहे थे तो आपको इसमें बेहतर अवसर भी प्राप्त हो सकता है। लाभ की दृष्टि से व्यवसाय के लिए इसमें अच्छा जाने वाला है। और दोस्तों इसमें आप स्वयं पर भरोसा रखकर कार्य करें तो आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। और दूसरों के साथ विचार विमर्श करने से आप किसी भी गलत सलाह का शिकार हो सकते हैं। और साथ ही अपने संपर्क सूत्रों का दायरा और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता होगी। और कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा में निखार आएगा और नए अनुबंध मिलेंगे जो आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद साबित होंगे। और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी स्थिति यथावत ही बनी रहेगी, इसलिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने की चेष्टा बिल्कुल ही ना करें। और दोस्तों यह समय धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी और शैक्षणिक कार्यों से यात्रा पर जाना पड़ सकता है और नौकरी के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। और दोस्तों यह समय धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और व्यवसायिक योजना फलीभूत होंगी और शैक्षणिक कार्यों से यात्रा पर जाना पड़ सकता है और नौकरी के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। जीवन साथी के कार्यों के चलते समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। और दोस्तों यह समय इस राशि वालों के लिए अविवाहितों के लिए शादी का रिश्ता भी आ सकता है। और विशेष रूप से जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा धन लाभ भी इसमें मिल सकता है। कुल मिलाकर यह 10 दिनों का समय आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और लाभप्रद समय रहने वाला है।